Hey, Dheeraj here, welcome back to RevHead, and I'm back with another video. So if you are new here, consider subscribing to this channel for more of this kind of video. So today we're gonna talk about 10 things you should carry during your long rides which will make your ride more easy. So मैं काफ़ी बार long rides कर चुका हूँ, वो भी solo. So मेरे को पता है कि किस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है long rides के टाइम पे. So yeah, let's start the video. तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से. फर्स्ट ऑफ ऑल टूल्स. आपके पास टूल्स होने चाहिए, जो आपकी बाइक से रिलेटेबल टूल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि हर बार आपको रोड के साइड पे मैकेनिक नहीं मिलते हैं. कई बार आप रिमोट एरिया में फंस सकते हो, तो वहाँ पे आपके टूल्स आपको हेल्प करेंगे आपकी बाइक को रिपेयर करने में. सो टूल्स इज़ अ मस्ट. तो एक तो होती है टूल किट, जो गाड़ी के साथ मिलती है या बाइक के साथ मिलती है. अगर आपके पास वो कंप्लीट नहीं है तो आप जो इंपॉर्टेंट स्पैनर्स या एलन की है उनको कैरी कर लें, जैसे कि जो टायर्स का नट है वो वाला स्पैनर आप कैरी कर सकते हैं, या जो हैंडल बार के लिए जो एलन की यूज़ होती है वो आप कैरी कर सकते हैं. सो इनको कैरी करने के बाद ही अपनी राइड स्टार्ट करें. सो सेकेंड थिंग आ जाती है हमारे पास फर्स्ट एड किट एंड सम मेडिसिन. सो ये हमारे पास फर्स्ट एड किट ये ज़रूर कैरी कर लें अपने साथ में, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है और यू नो आपके साथ में जो चल रहे हैं उनका हो सकता है या आपका भी हो सकता है. सो फर्स्ट एड किट के साथ साथ आप कुछ मेडिसिन भी कैरी कर सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट मेडिसिन रहती हैं, जैसे कि एस्प्रिन, क्योंकि राइड करती बार काफ़ी लोगों को हेडेक होती है. इवन मेरे को भी हुई थी मंडी से जयपुर वाली राइड में. सो जो कुछ मेन मेडिसिन रहती हैं उनको अपने साथ कैरी कर लें, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. सो नेक्स्ट वन इज़ जी रोलर एंड चेन स्प्रे. सो जैसे कि लॉन्ग राइड्स पे आपको अपना ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह से अपनी बाइक का ध्यान भी रखना पड़ता है. सो अपने साथ हमेशा चेन ल्यूब रखें, और जैसे कि आप रात को कहीं स्टे कर रहे हैं तो आप रात को अपनी चेन साफ़ करें और रात को ही चेन ल्यूब कर लें. सो रात को चेन स्प्रे करने का फ़ायदा ये है कि अगले दिन तक आपकी जो चेन स्प्रे है वो पूरी सेटल इन हो जाएगी और वो इधर उधर नहीं फैलेगी. और जिन बाइक्स में सेंटर स्टैंड नहीं होता है उन बाइक्स को ल्यूब करने में दिक्कत आती है, जैसे कि KTM ले लो या और भी कुछ मॉडर्न बाइक्स, उनमें सेंटर स्टैंड नहीं होता है. जो मॉडर्न बाइक्स होती हैं उनको ल्यूब करने के लिए हमें पैडॉक स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है, जो पहले तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और आप उसको अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं. सो मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सॉल्यूशन. सो हियर इज़ दिस जी रोलर फ्रॉम GrandPitstop. इट्स बिल्ड क्वालिटी इज़ सुपर ऑसम. सो ये जो इसकी बेस प्लेट है इसको पाउडर कोट किया गया है पूरा, और इसके नीचे जो रबड़ की दो स्ट्राइप्स हैं ये इसलिए दी गई हैं ताकि ये आपकी बाइक के नीचे से स्किड ना कर पाए. और जो इसके रोलर हैं इनको क्रोम प्लेट किया गया है, और ये ऐसी चीज़ें गाइस ये कभी ख़राब नहीं होगी. सो ये काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू पैडॉक स्टैंड्स, एंड ये काफ़ी यूज़फुल है. लाइक आप इसको लगा के बिल्कुल ईजीली आप चेन ल्यूब कर सकते हो अगर आप अकेले भी हो. और जैसे कि अगर आप ग्रुप में भी राइड कर रहे हो तो आपको सभी को इंडिविजुअल भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. अगर किसी एक के पास भी है तब भी काम चल पड़ेगा. सो इट्स अ मस्ट बाय. So link will be in the description for these items, and I will provide some discount code अगर पॉसिबल हुआ तो. So next one is wet wipes. ये काफ़ी cheap होते हैं, 50 रुपीज़ के इसमें 10 पीसेस मिलते हैं, और ये already wet होते हैं. So you know जो आपके फेस पे सारा दिन मेकअप हुआ होता है इसको ये easily clean कर सकता है. So आपको पानी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपका हेलमेट का वाइज़र है उसको ये क्लीन करने में काफ़ी हेल्प करता है, और अपनी आप मोटरसाइकिल को भी इससे क्लीन कर सकते हो. और यूज़ करने के बाद इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है. लेटर ये आपकी जो मोटरसाइकिल की चेन है उसको क्लीन करने में आपकी हेल्प कर सकता है. सो नेक्स्ट वन इज़ बंजी कॉर्ड्स एंड स्ट्रेचेबल स्ट्रैप्स. सो अगर आप कोई सी भी बाइक राइड कर रहे हो, KTM, बजाज या होंडा या रॉयल एनफील्ड, आपके पास लगेज तो रहता ही है. अगर आप अपने लगेज को शोल्डर पे रखते हो, या अगर आपके पास कोई बैकपैक है अगर उसको आप शोल्डर पे रखते हो, तो कुछ किलोमीटर्स के बाद यू नो आपके शोल्डर थकने लग जाते हैं. शॉर्ट राइड में तो आप उठा सकते हो, बट लॉन्ग राइड्स पे दिक्कत हो जाती है और आप थोड़ा लेज़ी फील करने लग जाते हो. सो ये उस टाइम पे लगेज को बाइक से बांधने के लिए यूज़ में आते हैं. सो ये नॉर्मल बंजी कॉर्ड्स नहीं है, ये स्ट्रेचेबल हैं, काफ़ी स्ट्रेचेबल हैं, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. और इनकी अच्छी बात ये है कि ये आपकी बाइक को स्क्रैच नहीं करेंगे, और ये अनब्रेकेबल है. लाइक ये वाला जो मटीरियल है ये स्ट्रेचेबल नहीं है, जो स्ट्रेचेबल मटीरियल है वो यहाँ पर है थोड़ा सा, और जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है. जो बंजी कॉर्ड्स रहती हैं वो टूट जाती है, लाइक यूज़ करने के बाद वो टूट जाती हैं. एक या दो राइड के बाद वो टूटने लग जाती है, जो उनका जो रबड़ के छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो निकलने लगते हैं. एंड ये वाले जो स्ट्रेचेबल स्ट्रैप्स हैं ये काफ़ी कूल लगते हैं, और चीप भी फील नहीं होते हैं, क्योंकि आप इनकी क्वालिटी देख सकते हो. और यहाँ पे बकल माउंट भी दिया गया है डिफरेंट तरीके से माउंट करने के लिए. सो नेक्स्ट वन इज़ गार्बेज बैग्स. अगर आपके पास वाटरप्रूफ कवर नहीं है अपने सारे बैग्स के लिए या सारे स्टफ़ के लिए, तो आप गार्बेज बैग अपने साथ ज़रूर कैरी कर लें. अगर बारिश भी हो रही है तो आप सॉक्स के बाहर से इसको पहन सकते हो, और उसके बाद जूते पहन सकते हो. सो उससे आपके पैर गीले नहीं होंगे, और जो कोई भी अगर आपके पास कैमरा स्टफ है तो ये वाटरप्रूफ भी होते हैं। सो गार्बेज बैग में आप अपना लैपटॉप डाल सकते हो, कैमरा डाल सकते हो और उसके बाद उनको बैग में डाल लें। और मैं पर्सनली इस ट्रिक को यूज़ कर चुका हूँ हैवी रेन में भी। सो जो मेरे जो स्टफ़ था, मेरा जो कैमरा एंड लैपटॉप था वो बिल्कुल सेफ़ रहे। सो अगर आपके पास बड़े वाला गार्बेज बैग है तो उसके अंदर तो आपका पूरा बैकपैक भी आ सकता है। सो इस वजह से आपका जो पूरा लगेज है वो पूरा वाटरप्रूफ हो जाएगा। सो द नेक्स्ट वन इज़ मोबाइल होल्डर एंड USB चार्जर। सो लॉन्ग राइड्स पे आपको कॉन्स्टेंट पावर चाहिए होती है क्योंकि आपके फ़ोन पे GPS ऑन रहता है और आपका जो कैमरा है उससे वीडियो रिकॉर्ड होती रहती है। सो जो बैटरी ड्रेन होती रहती है बार बार। सो दिस इज़ अ RAM माउंट, यहाँ पे आपका फ़ोन माउंट होता है और इसके साथ आपको इनबिल्ट चार्जर मिलता है जिसकी जो आउटपुट है वो रहती है 2 एम्पियर तक। सो इसका जो डिज़ाइन है वो वाटरप्रूफ है, बस इसकी ये फ्रंट वाली कैप बंद रहनी चाहिए। सो वॉशिंग के टाइम पे ध्यान रखें कि ये कैप बंद है या नहीं। सो ये बहुत इजीली एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे बॉल माउंट दिया गया है जिससे आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी किसी भी डायरेक्शन में। अगर किसी भी डायरेक्शन में आपने इसको माउंट करना है तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। पर्सनली बिना USB चार्जर के लॉन्ग राइड पर जाना तो एक नाइटमेयर की तरह है। सो द नेक्स्ट वन इज़ GoPro और एनी अदर एक्शन कैमरा, क्योंकि आप बार बार तो लॉन्ग राइड्स पे नहीं जाते हो। अगर आप बार बार लॉन्ग राइड्स पे जाते हो तो आपके पास ऑलरेडी एक एक्शन कैमरा है। सो लेट्स सपोज गोइंग लेह लद्दाख और स्पीति वैली विद योर फ्रेंड्स विदाउट एन एक्शन कैमरा, इट्स सच अ वेस्ट गाइस। कोई मतलब नहीं बनता है जाने का क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक लाइफ टाइम अचीवमेंट रहती है और मेमोरी बन के रह जाती है। सो इट्स जस्ट माई वे ऑफ थिंकिंग गाइज, नो ऑफेंस एट ऑल। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टायर पंचर किट। अगर आपकी बाइक में ट्यूबलेस टायर है तो आपके पास जो पंचर किट है वो तो होनी ही चाहिए। अगर आपकी बाइक में ट्यूबलेस टायर नहीं है तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा ट्यूब जरूर लेके चलें क्योंकि रिमोट एरियाज़ में आप कहाँ से ट्यूब ढूंढोगे। सो मिसहैपनिंग हो जाती है कई बार। सो अपने साथ एक स्पेयर ट्यूब लेके चलें हमेशा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दीज आर सम थिंग्स विच विल मेक योर राइड मोर एफिशिएंट एंड मोर कन्वीनियंट. And don't forget to like the video if this video helps you somehow and share this video to your fellow riders and yeah, comment down अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो and yeah, see you in the next one. पानी पीना ना भूले लॉन्ग राइड्स पे. Bye, peace. GrandPitstop.